अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सारी कहानियाँ आप तक पहले पहुँचे। छोटी छोटी खुशियाँ देने वाले माँ बाप जब उम्र की एक लकीर पार कर जाते हैं तो वो क्यों बोझ लगने लगते हैं, ऐसे ही एक कहानी मैं सिया खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपूर्वा और शिल्पा हाल ही में अपने नए लग्जरी फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। एक दिन जब अपूर्वा ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि शिल्पा फर्श पर पोछा लगा रही थी। अपूर्वा ने शिल्पा से पूछा, क्या काम वाली नहीं आई जो वो खुद पोछा लगा रही है? इस पर शिल्पा ने कहा, काम वाली आई थी और सारी सफाई करके चली भी गई, लेकिन आपके पिताजी ने खाना बनाने की जिद में सारा घर फिर से गंदा कर दिया। कहा था ना मैंने, इनको हम उम्र लोगों की ज़रूरत है, इसलिए इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। ऑफिस और घर का काम करके अब मैं तंग आ गई हूँ। या तो अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दो या फिर मैं अपने घर लौट जाती हूँ। इतना कहकर शिल्पा नाराज़गी दिखाते हुए अपने कमरे में चली गई। दूर खड़े पिताजी ने सारा वाक्या देखते हुए अपने मन ही मन में अफसोस जताया। अपूर्वा इंटरनेट पर वृद्धाश्रम ढूंढने लगा और दूसरे दिन वो GPS फॉलो करता हुआ वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम का लोकेशन बार बार बदलने लगा। अपूर्वा को हैरानी हुई कि GPS में ऐसे कैसे हो सकता है। वो आगे बढ़ता रहा, तभी अपूर्वा की नज़र कार के शीशे पर गई। उसे ऐसा लगा कि कार की पिछली सीट पर एक बूढ़ा आदमी खून के आंसू रो रहा हो। अपूर्वा कार से बाहर निकलकर भागने लगा। वो चिल्लाने लगा, भूत भूत, कोई बचाओ मुझे। अचानक से कार स्टार्ट हुई पर उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। अपूर्वा भागते भागते एक बिल्डिंग के पास पहुंचा जहां चौकीदार खड़ा था। अपूर्वा ने चौकीदार से मदद मांगते हुए कहा कि मुझे बचा लो, मेरे पीछे भूत पड़ा है। अपूर्वा ने चौकीदार को बताया कि वो वृद्धाश्रम की तलाश में आया है। अपूर्वा की बात सुनकर चौकीदार ने कहा कि आपके पीछे कोई भूत नहीं है। और जब अपूर्वा ने पीछे देखा तो पाया उसकी कार रोड पर खड़ी थी और कार में कोई नहीं था। चौकीदार ने अपूर्वा को वृद्धाश्रम का रास्ता बताया। अपूर्वा वृद्धाश्रम पहुंचा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक किसी ने अपूर्वा की गर्दन पकड़ी। अपूर्वा चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर अपूर्वा जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी जो खून के आंसू रो रहा था वो अपूर्वा से कहने लगा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अपूर्वा वहां से भागकर आश्रम के कमरों में चला गया। तभी एक बूढ़ी महिला ने उसका रास्ता रोक लिया। वो महिला भी खून के आंसू रो रही थी। उसने अपूर्वा से कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपूर्वा ने बूढ़ी महिला को धक्का देते हुए वहां से भागने की कोशिश की। तभी वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि खून के आंसू रोने वाले बूढ़ा और महिला उसे खींचकर एक कमरे में ले जा रहे हैं। उस कमरे में बहुत सारे और भी बूढ़े लोग हैं जो खून के आंसू रो रहे थे और कह रहे थे, हमें छोड़कर मत जाओ। तभी अपूर्वा ने देखा कि ज़मीन पर एक पिस्तौल पड़ी हुई है।
उसने पिस्तौल उठाकर बूढ़ों पे चला दी और वहां से बाहर भागा। कार में बैठकर अपूर्वा वहां से भाग निकला। रास्ते में एक चाय के स्टॉल पर उसने अपनी कार रोकी। चाय वाले से बात करते हुए अपूर्वा ने उसे वृद्धाश्रम के बारे में पूछा। चाय वाले ने कहा कि कई साल पहले यहाँ एक वृद्धाश्रम था जहाँ बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की थी क्योंकि उनके बच्चे उन्हें बोझ समझने लगे थे। चाय वाले की बात सुनकर अपूर्वा ने ये फैसला लिया कि उसके पिताजी कहीं नहीं जाएंगे, वो उनके साथ ही रहेंगे क्योंकि माता पिता कभी औलाद पर बोझ नहीं होते। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और कहानी शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सारी कहानियाँ आप तक पहले पहुँचें।